हेलो मेरे प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम गुरु एक बहुत पुरानी बात है जब मैं एक बहुत नामी परफ्यूम मेकर्स इंडिया के उनके स्टोर पर गया दिल्ली में और मैंने ट्रेडिशनल अतर्स को एक्स, एक्सपीरियंस करने की कोशिश की तो मैंने उनसे पूछा कि कौन कौन से ट्रेडिशनल इतर हैं आपके पास तो पहले तो बड़े सरप्राइज हुए उन्होंने अपने बेसिक इतर दिखा दिया यानी कि जो भी उनके कमर्शियल कमर्शियल कहने का मतलब है वो जो ईज़िली अवेलेबल हों स्टोर्स पर रिटेल स्टोर्स पर और ट्रेडिशनल अपने जो ख़ास चंदन ये अलग अलग करके जो इत्र मिलते हैं या फिर जो ट्रेडिशनल कॉम्बीशन है शमामा वगैरह तो मेरा वो मतलब था मैं चाहता था कि अच्छे ग्रेड के मटेरियल्स मैं लूं और उन्हें एक्सपीरियंस करूं बट वो मुझे मौका वो लोग देना नहीं चाहते थे तो पता नहीं क्यों बहुत ख़राब तरीके से वो जो है जो कहते हैं कि मुलाकात जो थी उसकी शुरुआत हुई धीरे धीरे करके वो लोग समझ गए कि हाँ हो सकता है कि बंदे को शौक़ हो थोड़ा डीप जा रहा है परफ्यूम में इसको कुछ अच्छी चीज़ दिखाते हैं फिर उन्होंने अपना स्पेशल सेक्शन दिखाया जो सबके लिए अवेलेबल है अंदर जाके थोड़ा स्टोर में वहाँ पर उनके सारे बड़े बड़े प्रेशियस इत्र रखे हुए थे खस जितने भी फ्लोरल इत्र होते हैं और इस तरीके के जितने भी कॉम्बिनेशनस थे उनके पास थे अच्छे खासे और मैंने उनको ट्राई भी किया था रिव्यू भी किया आप सभी लोगों के लिए लेकिन कोई एक ऐसा इत्र मुझे वहाँ पर नहीं मिला जिसकी बात बात मैं उन लोगों से कर सकूं अपने चैनल पर जो लोग डिज़ाइनर परफ्यूम्स और नीश परफ्यूम्स की दुनिया से आए हैं और वो अब ट्रेडिशनल इंडियन परफ्यूमरी कह लीजिए या ट्रेडिशनल इतर इंडस्ट्री जो है उसके प्रोडक्ट्स टेस्ट करना चाहते हैं पुराना जो काम किया हुआ है जब जिस ज़माने में मतलब आज से हम 100-200 साल पुरानी बात कर रहे हैं जब अरोमा केमिकल्स की इंडस्ट्री नहीं थी इत्र के नाम पर परफ्यूम के नाम पर यही चीज़ें इंडियन मार्केट में मिलती थी उस ज़माने की हम बात करें तो वहाँ पर एक नाम काफ़ी मशहूर है दोस्तों मखलत मखलत जो है वो एक मिक्स है अलग अलग एसेंशियल ऑयल्स का जैसे रूह खस है वो एसेंशियल ऑयल है जैसे कि रू गुलाब है वो एसेंशियल ऑयल एसेंशियल ऑयल्स यानी कि सिंगुलर ऑयल्स एक ही कंपोनेंट हो जिसके अंदर और उन अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाकर हम इत्र बनाते हैं या मखलत बनाते हैं तो मखलत भी एक प्रकार का इत्र है लेकिन मखलत के अंदर आपको यूजुअली जो कॉम्बिनेशन मिलता है वही जो टिपिकल परफ्यूम में कॉम्बिनेशन मिलता है फ्लोरल नोट्स मस्की नोट्स वुडी नोट्स और uh, कुछ स्पेशल स्पाइसी नोट्स इन सारी uh, खुशबुओं को मिलाकर एक परफ्यूम जैसा एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है तो एक इत्र मेरे दोस्त सिकंदर ने भेजा सिकंदर को आप लोग अभी तक पहचान ही गए होंगे नाज परफ्यूम्स करके यूट्यूब पर वो अपना चैनल भी चलाते हैं तो परफ्यूम्स बेचते भी हैं परफ्यूम्स रिव्यू भी करते हैं डबल मज़ा करते हैं अपनी ज़िंदगी में जोक्स अपार्ट बहुत ही प्यारी चीज़ उन्होंने मुझे भेजी थी और मैंने जब इसको ट्राई किया था पहली बार तो मुझे काफ़ी डिसेंट लगा था गुलाब की खुशबू मुझे बहुत प्रमिनेंटली याद थी और उन्होंने इतना सारा सामान भेजा था जो आपके इंटरेस्ट का था क्लोन परफ्यूम्स और वो मिडल ईस्टर्न परफ्यूम जो मैंने रिव्यू किए तो तो ये कहीं ना कहीं ये डब्बा अंदर रह गया हमारे कब्ड में और लगभग आ, एक साल से वहीं रहा फिर मैंने एक दिन इत्र की खोज में से निकाला क्योंकि अब हम फॉल और विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं यानी कि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है तो ये जो खूबसूरत सा इत्र पहले आप इसकी खूबसूरती देखिए बॉटल देखिए कितना ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है बॉक्स तो डिसेंट है ही कुछ खास नहीं है बॉक्स बट ये बॉटल देखिए आप कितना बेहतरीन काम किया गया है मैं बता देता हूँ कि बस ये देखने में खूबसूरत नहीं है बल्कि फंक्शनली भी बहुत ही ज़बरदस्त है ठीक है एक तो इसको ले कर घूमना आसान है ग्लास बहुत थिक है अगर आपके पॉकेट से गिर भी गया तो टूटेगा नहीं इत्र के साथ बेनिफिट यही है दोस्तों कि आप इसको लेकर घूम सकते हैं एज अपोज टू परफ्यूम्स दो बॉटल्स आर वेरी बिग एंड ह्यूज एंडूज कम्बरसम यहाँ पर जो ये गोला जो दिया गया है जो कट्स हैं इसके ऊपर ये ग्रिप आपको प्रोवाइड करते हैं तो आप इसे जब खोलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसे पकड़ कर अभी तो मैंने बहुत टाइटली बंद किया था यूँ इसको घुमाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा इसके अंदर जो है डिपस्टिक जो है वो भी ग्लास का है तो इससे क्या होता है कि ये सेंट को बर्बाद नहीं करता है उसके साथ मिक्स नहीं करता है अक्सर आपने देखा होगा कि जो महंगे ऊद के तेल होते हैं महंगे इतर आप ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो वो लोग उसकी प्लास्टिक की जो डंडी होती है काट के हटा देते हैं उसका रीजन यही है कि प्लास्टिक कैन कैन रिएक्ट, यू नेवर नो एंड इट डिस्ट्रॉय एन एक्सपेंसिव बेहतरीन नेचुरल स्मेलिंग इत्र पहली बार एक ऐसा कमर्शियल इत्र वो भी रसासी कंपनी का जो ज्यादा क्लोन्स वगैरह बनाती है उनके भी अच्छे कुछ परफ्यूम्स हैं, लेकिन उन्होंने अगर 90 परफ्यूम्स क्लोन्स बनाए हैं तो 10 परफ्यूम्स अपने खुद के बनाते हैं उन 10 में से पांच ऐसे होते हैं जो एक्चुअली स्पेशल होते हैं उस तरीके का ये इत्र है दोस्तों इसका नाम है मखलत खमाइल 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 जो भी बोलते होंगे उसे जैसे ही ये सेंट की शीशी आप खोलेंगे इमीडिएटली जो सेंट आपकी नाक को लगेगी इमीडिएटली जो नोट आपकी नाक को लगेगा वो है दोस्तों रूह गुलाब का कह तो रही है कंपनी की इन्होंने डाला है तैफी रोज ऐसा मुझे सिकंदर ने बताया तैफ़ी रोज़ कम्बोडियन उर्द के ऊपर काम किया गया बट मैं यहाँ पर डिफ़र करना चाहूँगा पहली चीज़ कि इस परफ्यूम का दाम काफ़ी कम है उसकी बात उसकी बात मैं सबसे लास्ट में करूँगा इतने कम दाम पर तैफ़ी गुलाब का इस्तेमाल मुश्किल है अब रही बात कि तैफ़ी गुलाब नहीं है तो उसकी ऐसी खुशबू कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव मटीरियल है जो दे सकता है तो दोस्तों रूह गुलाब अपना देसी रूह गुलाब मैंने तो पहले भी आपको कहा है कि देसी रूह गुलाब चैती गुलाब जो स्पेशल एडिशन है जो साल में एक बार निकलता है जिसका मैंने वीडियो भी बनाकर आप लोगों को दिखाया है पूरा प्रोसेस दिखाया है उसकी खुशबू उसमें दो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं एक तो गुलाब की अपनी खुशबू और ये गुलाब की खुशबू एक साइंटिफिकली क्रिएटेड खुशबू नहीं है लैब क्रिएटेड खुशबू नहीं है दिस खुशबू इज़ वॉट यू गेट इन नेचर चैती गुलाब अगर आपने अपने घर में लगाए बहुत लोगों को प्लांटेशन का शौक़ होता है जैसे मुझे है मुझे तो बहुत देर के बताया बहुत लोग तो पहले से करते आते हैं अपने घर में पूछिए लोगों को पता हो गया जो पिंक कलर के गुलाब होते हैं जिन्हें हम डामा रोज भी बोलते हैं विच इज़ द रोज़ यूज इन परफ्यूमरी या द रोज़ ऑयल विच इज़ यूज इन परफ्यूमरी कम्स फ्राम डामा सीना रोजेज़ या डमास्क रोज भी बोलते हैं डमास रोज भी बोलते हैं और अपने यहाँ वही चीज़ चैती गुलाब है उसकी खुशबू मीठी शहद के जैसी होती है और उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मिंटी नोट होता है मिंट के जैसा माउथ फ्रेशनर के जैसा ताजगी देने वाला नोट और सिट्रस की थोड़ी बहुत स्प्लैश मिलती है और रोज़ का कंपोनेंट काफ़ी सॉफ्ट होता है जब भी हम रोज़ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है जिस तरीके से हमें मार्केट करके दिया गया है रोज़ को बॉलीवुड सिनेमाज़ में और एड्स वगैरह में या आर्ट में भी लोग पसंद करते हैं रेड वेलवेटी या रेड ब्लैकिश रोज उसकी कोई खुशबू नहीं होती कमाल की चीज़ है ना दोस्तों कोई खुशबू नहीं होती लेकिन हम जब पहली बार रोज़ के बारे में सोचते हैं तो पहली इमेज वही आती है लेकिन वहाँ से तेल नहीं निकलता उसमें खुशबू भी नहीं होती है दोज आर जस्ट फैंसी रोज़ जस्ट लाइक योर बॉलीवुड हीरोज एंड हीरो दिस इज द रियल सेंट ऑफ रोज बहुत लोगों को जिन्होंने रोज़ कभी सूंघा ही नहीं है या फिर बस फ्रेंच uh, परफ्यूम्स या सिंथेटिक बेसिक परफ्यूम्स में गुलाब सूंघे हैं उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल गुलाब का सेंट है अरे इसमें तो शार्पनेस आ रही है तो मिन्टी लग रहा है सिट्रस ही लग रहा है वही गुलाब का एक्चुअल सेंट है दोस्तों तो वो ताज़गी भरा नोट यहाँ पर मिलता है ऐसा लगता है बारिश की ठंडी ठंडी छीटें भी पड़ रही हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ आप कभी चैती गुलाब सूंघिएगा मज़ा आ जाएगा बस वही खुशबू यहाँ पर टॉप नोट्स मिल रही है उसके बाद जो पहला नोट है जो एक्चुअली है तो बेस नोट लेकिन जो नाप को सबसे पहले हिट करेगा वो है हिंदी ऊद का कहा गया था मुझे कम्बोडी ऊद लेकिन नहीं इसमें हिंदी ऊद है डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट कम्बोडी उद यूजअली जो मार्केट में मिलता है मीठा होता है ठीक है सस्ता होता है और वो अपनी मिठास की वजह से जाना जाता है उसमें लेदरी कंपोनेंट्स बहुत कम होते हैं और इट इज़ ईजी टू वेयर हिंदी ऊद में गहराई है ठहराव है थिकनेस है मस्किनेस है लेदरीनेस है इमली की खट इमली का खट्टापन है सो so, वो एक यूनिक चीज़ है और उसको अगर बहुत कम मात्रा में ऐसे मुखलत में इस्तेमाल किया जाए तो वो अच्छा लगेगा वही चीज़ यहाँ पर है तो ब्लेंडिंग लाजवाब लास्ट में एक नोट आपको जो सबसे प्रोमिनेंट रहेगा वो है इंडियन सैंडलवुड का चंदन का नोट जो कि बहुत ही बढ़िया है मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन चंदन इस्तेमाल किया गया है लेकिन ये एक लॉन्ग लास्टिंग वुडी वैक्सी सैंडलवुड है जो बस इंडिया में मिलता है स्पेशली हम जिसे माइस और चंदन के नाम से जानते हैं वो सेंट यहाँ पर ड्राई डाउन में मिलता है ये लॉन्ग लास्टिंग सेंट होता है दोस्तों ये कन्नौज में आपको मिल जाएगा चंदन के नाम पर बट दिस इज़ नॉट द वेरी बेस्ट अब जो वेरी बेस्ट है वो मिलता भी नहीं है वेरी बेस्ट हमारे पास है किसी फ्रेंड ने डिस्टिल किया उस ज़माने में ऑनलाइन कम्यूनिटी में उन्होंने भेज दिया पड़ा हुआ है तो वो खुशबू बेहतरीन खुशबू है उसमें वैक्सीनेस कम होती है बट उसमें वुडीनस या चंदन की जो अपनी स्मेल है जो चंदन आ, जिस खुशबू को हम चंदन की खुशबू से एसोशिएट करते हैं वो खुशबू वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है तो वो चीज़ नहीं मिलेगी बट वाट यू गेट इज़ द बेस्ट सैंडलवुड ऑयल दैट यू कैन थिंक ऑफ तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है गुलाब आ, चंदन और हिंदी उद का परफॉर्मेंस अब रही बात दोस्तों ये डिसअपॉइंटिंग हो जाता है कि भाई हम आपने इतनी तारीफ़ की इतनी की हमने लगाया 40 डिग्री की गर्मी में लगाया लेकिन परफॉर्मेंस नहीं मिला यानी कि की लॉन्जिविटी नहीं मिली तो दोस्तों ये प्रॉब्लम तो हर एक नेचुरल परफ्यूम के साथ होती है ऊद लगा लें आप भर के ऊद इज़ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग सेंट चंदन भी लॉन्ग लॉन्ग वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग सेंट मैं कहूँगा लेकिन आपको मौसम अच्छा चाहिए मौसम ड्राई चाहिए तब जाके वो चंद चंदन की हल्की हल्की लपटें उठती हैं जस्ट लाइक रूह ख़स जिन्होंने अच्छे मटेरियल्स को टाइम दिया है वक्त दिया है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं जो हड़बड़ी वाले लोग हैं या फिर जो लोग बहुत लाउड परफ्यूम्स पिछले एक साल से लगा रहे हैं सडनली थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स डे को वो डिसाइड करते हैं कि भैया आज हम लगाएंगे इत्र बहुत तारीफ़ सुनते हैं कि इंडियन इत्र ज़्यादा बेहतर है लोग कहते हैं कि भाई ये नॉर्मल परफ्यूम से ज़्यादा बेहतर है वो इस परफ्यूम को लगाते हैं कहते यार, यार ये तो लास्ट ही नहीं करता क्योंकि आपका जो अलफैक्ट्री थ्रेश है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेंट चाहिए आपको स्टिमुलस चाहिए लेकिन अब जैसे कोई एक ऐसा प्राणी है जिसने कभी जिंदगी में सेंट नहीं लाया उसको आप ये परफ्यूम लगा दें तो ये भी शायद उसके लिए टू मच हो जाए ऐसा होता होगा ना आपने आम देखा होगा अपने घर में ही देखा होगा बहुत लोग कौन सी खुशबू लगा दी हल्का सा जो पोछा लगता है अपने घर में या सफाई होती है उसमें भी जो खुशबू होती है उससे भी वो लोग इरीटेट हो जाते हैं तो उस दोस्त पीपल आर टू सेंसिटिव तो ये अपनी अपनी चीज़ है इसीलिए सब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट विद दिस सेंट यू उल गेट अ लॉन्जेट लॉन्जेविटी ऑफ अबाउट फाइव टू सिक्स आवर्स गुलाब जो है नेचुरल गुलाब है बहुत जल्दी उड़ जाएगा आई एक्सपेक्ट देट गुलाब सेंट टू तो बी देर फॉर अबाउट टू आवर्स तीन घंटे के बाद वो नहीं आपको मिलने वाला हिंदी उद का नोट प्रोमिनंट हो जाता है और अच्छी चीज़ क्या है कि बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया गया कि तो बहुत फाइन बैलेंस देता है वो वो लास्ट करेगा कुछ चार घंटे तक विच इज़ स्ट्रेंज क्योंकि कम है ज़्यादा होता तो बहुत ओवर पावर कर देता है इस सेंट को और इसके अंदर से जो नज़ाकत है जो फाइन बैलेंस है वो गायब हो जाता देन इट वुड हैव बिकम अ वेरी पावरफुल टिपिकल मैनली मुखलत तो दिस मखलत कैन बी वोन बाय एनी वन अब ये बात की बहुत लोग अजमल के उद मुखलत से इसको कंपेयर कर रहे थे दोस्तों अजमल का उद मुखलत जो है, है तो बढ़िया दाम भी उसका कम है इससे ज़्यादा है इससे दोगुना है लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको ऊद के अलावा जो बाकी सेंट मिलता है वो सिंथेटिक मिलता है मस्क वगैरह जो काफ़ी सिंथेटिक है इसलिए लॉन्ग लास्टिंग है यहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिलती ये कम्पलीटली नेचुरल लगा मेरी नाक को और जिस प्राइस पॉइंट पर ये ऑफर्ड है इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन में आई वॉज शॉक्ड बिकॉज दिस ओनली कॉस्ट अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ फॉर थ्री है मतलब वो भी सिकंदर के प्राइस हैं तो आप सोचिए कि अगर आप ओरिजिनल सोर्स के पास जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ कम भी मिल जाए तो जो यू ए में हैं उनकी ऐश है हमें तो भाई इतने में ही मिलता है तो हमने आपको बता दिया बट ये प्रेजेंटेशन ये खुशबू और विंटर्स में अगर आप इस सेंट को लगाएँगे या फिर अच्छे मौसम में बारिश का मौसम में बढ़िया यूरो मौसम है तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वो जो हल्की हल्की लपटें हैं जो आपके सेंसेस को सड्यूस करती हैं वो जो रोमांस है आपका और आपकी सेंट का आपके इंटीमेट सेंट का वही तो मज़ा आता है ऐसे सेंट्स को लगा कर तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू रसासी के मखलत खमाइल का बेहतरीन चीज़ है ये बेहतरीन खुशबू बहुत लोग जो पूछते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि ट्रेडिशनल अतर में हम जाएं तो कौन सा वो पहला इतर जो हम लगाएं सैडली इंडियन प्रोडक्ट नहीं है हो सकता है ऐसे प्रोडक्ट्स और मार्केट में और हों लेकिन मैंने पिछले पाँच छः सालों से कोई भी ब्रांड को एक्सप्लोर नहीं किया उनकी दुकान पर नहीं गया मुझे मौका नहीं मिला ब्लॉग्स बनाने का तो वो जब मैं करना शुरू कर दूंगा तो फिर अलग बात आ जाती है बट ये खुशबू डेफिनेटली वो खुशबू है जो मैं चाहूँगा कि जो पहली बार ट्रेडिशनल इत्र क्वालिटी इंडियन इत्र वर्क को सूंघना चाहता है डेफ़िनेटली इसको ट्राई करें किसी को गिफ्ट देना है स्पेशली ऐसे uh, लोगों को जिनके चॉइस जो हैं चॉइसेस जो हैं बहुत पेक्यूलियर हैं चीज़ों को लेकर क्लासिकल इंडियन म्यूजिक सुनते हैं जिंदगी में ठहराव है यू you नो know, uh, थोड़े से सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल पब्लिक उनको ये सेंट बहुत पसंद आएगा अगर आपके आसपास कोई है तो आप डेफिनेटली इस सेंट को लेकर उनसे ट्राई कीजिएगा अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में दीजिएगा मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा पढ़कर तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू एक अच्छा प्रोडक्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता था बिकॉज फॉल एंड विंटर इज कमिंग सो वी नीड अ लॉड ऑफ अतर्स बहुत सारे इत्र और अतर हैं जिनका मैं रिव्यू करूँगा जो विंटर्स में आपको लाकर मज़ा आएगा तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो में आपको मज़ा आया हो और आप इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहेंगे जिसका नाम है परफ्यूम गुरु वापस मिलते हैं एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय एंड Stay strong.